हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हो आप एलोवेरा जेल अपने चेहरे पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसके डिफरेंट ट्रिक्स और टेक्निक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान है और ये मैं फ्रेश एलोवेरा के जेल के साथ ही आपको बताऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एलोवेरा को क्लीन कर रही हूँ। यहाँ इसके जो काटे कुटे हैं वो मैं निकाल रही हूँ, ठीक है। आप देख रहे हो मैं कैसे निकाल रही हूँ, उसके बाजू से मैं सब इसके कांटे निकाल रही हूँ। और इसको सबसे पहले तो मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया है ताकि ये कांटे निकालने में आसान हो जाए, क्लीन होने में आसानी हो जाए। सो इस तरीके से मैं निकाल रही हूँ, इसको पूरा क्लीन कर रही हूँ। और बाद में इसको जो मैं छोटे छोटे और टुकड़े करने वाली हूँ ताकि मुझे यूज़ करने में आसानी हो। आप देख रहे हो कि मैं कैसे कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल है गाइस। और देख सकते हो इसमें कितना फ्रेश जेल है और इसकी पूरी ऊपर की मैं स्किन भी निकाल रही हूँ। और इसको आपको फेंकना नहीं है, इसको रखना है। मैं वीडियो में आगे बोलूँगी इसको क्यों रखना है। सो इसको भी स्किन को भी रख दीजिएगा। सो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत, कितना फ्रेश जूसी है ये। सो इसको मैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्ट्राइप मार के इसका पूरा जेल जूस जो भी है वो निकाल रही। मुझे बहुत दिक्कत होती है गाइस एलोवेरा जेल निकालने, बहुत ग्लूई जूसी या बहुत ही गम की तरह रहता है, मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती है। अगर आपके पास डिफरेंट टेक्निक है इसके निकालने के आप ज़रूर बता दीजिएगा, मैं ज़रूर यूज़ करूँगी। और इसको अच्छे से मिक्स करना है गाइस। तो टिप नंबर वन है गाइस, आपको लेनी है एलोवेरा की स्किन जो मैंने बोला था फेंकनी नहीं है वो लेनी है। और इसको आपको सीधे अपने मुंह पे लगाना है। इसमें भी बहुत सारा जेल होता है गाइस, इसलिए मैं बोल रही थी इसको फेंकना नहीं है। अगर आप फेंक देते तो पूरा वेस्ट हो जाता है, यू कैन आसानी से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। सो इसे क्या होता है ना गाइस, अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे है, ग्रे स्पॉट है, ब्राउन स्पॉट है, पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम है, वो मिट जाती है। आपके चेहरे पर ब्राइटनेस आ जाता है, ग्लो आ जाता है। और इसे आप अगर डेली इस्तेमाल करोगे ना आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। और थोड़ी देर बाद रखें, इसे 5-10 मिनट रखें, आपको पोंछना है एंड यू कैन गेट अ इंस्टेंट रिजल्ट। लाइक अपने चेहरे को पूरा क्लीन करता है, आप देख सकते हो रिजल्ट गाइस। सो दिस इज टिप नंबर वन। हमारी जो नेक्स्ट टिप है गाइस, आपको लेनी है थोड़ी सी कॉफ़ी, जो आपके जो भी घर में अवेलेबल है आप ले सकते हो। और बाद में लेना है एलोवेरा की स्किन जो मैं बोला था फेंकना नहीं है वो लेनी है। और इस कॉफी, इस स्किन को आपको उस कॉफ़ी पे लगा देना है और ये कुछ इस तरह से दिख जाएगी। तो आपको यूज़ हुआ उसका जेल जो स्किन पे है और साथ ही साथ कॉफ़ी भी यूज़ हो गई। सो ये बन गया कॉफ़ी स्क्रब या कॉफ़ी पैक, जो भी आप बोलना चाहते हो। कॉफ़ी में बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है गाइस, इसमें एंटी एजिंग की प्रॉपर्टी होती है। ये हमारे कोलेजन लेवल को बूस्ट करके हमें प्री मैच्योर अगर एजिंग होता है वो बंद कर देता है। साथ ही साथ ही हमारे डेड स्किन, डेड सेल सब निकाल देता है एंड इट ऑल्सो गिव यू इंस्टेंट ग्लो ऑन योर फेस। सो थोड़ी देर रख के आपको अपने ठंडे पानी से चेहरा धोना है एंड यू कैन सी द ब्राइटनेस ऑन माई फेस गाइज, दिस इज विद इंडोर लाइट्स गाइज, सो यू कैन सी द ब्राइटनेस। सो ये बहुत ही अच्छा पैक है गाइज, यू कैन ऑलवेज ट्राई दिस। हमारी जो तीसरी टिप है वो मेरी सबसे फेवरेट है गाइज, आपको लेना है एलोवेरा के ऐसे क्यूब्स और इसको रखने हैं फ्रीज में। और ये आपके एलो जेल आइस क्यूब्स हो गए, ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी दिखाया था और ये बहुत ही अच्छा असर करता है गाइज, यू कैन यूज दिस डेली ऑन योर फेस। अगर आप मेकअप से पहले इस्तेमाल करोगे ना गाइज, इट एक्स एज अ प्राइमर, जो आपके पोर्स है वो क्लोज हो जाएंगे। यू कैन ऑलवेज यूज दिस आफ्टर यूजिंग अ फेस पैक, यू कैन ऑलवेज यूज दिस बिफोर यूजिंग अ फेस पैक। स्क्रबिंग से पहले कर सकते हो, यू कैन सोने से पहले कर सकते हो, यू कैन आप कभी भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और ये आपके चेहरे को बहुत ही अच्छा ग्लो देगा, ठंडक देगा, एक पिंक सा ग्लो देगा एंड यू कैन सी दिस इज माय फेवरेट गाइस। जो हमारी नेक्स्ट टिप है गाइस वो है स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए, जिनको भी एक्ने पिंपल की ये दिक्कत है ना उन लोगों के लिए ये टिप है। और आपको लेना है थोड़ा सा एलोवेरा जेल और उसमें डालना है थोड़ा सा नींबू और ये दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। और जहाँ भी आपको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है वहाँ ही आपको लगा देना है। अगर आपको लगता है आपको आने के चांसेस है वहाँ लगाना है ताकि वह वही के वही दब जाए और आपको प्रॉब्लम ना हो। और ये आप डेली करने से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा गाइज, ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस इज़ अ वेरी गुड टिप। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी गाइज आप एक बहुत ही अच्छा नेचुरल खूबसूरत टोनर कैसे बना सकते हो। इसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा एलोवेरा जेल, बाद में ऐड करना है रोज़ वाटर, आप घर का बनाया हुआ भी रोज़ वाटर इस्तेमाल कर सकते हो। और नेक्स्ट आपको ऐड करना है पानी, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। और इस तीनों को अच्छे से मिला देना है
एंड बाद में मैं इसे स्टोर कर रही हूँ एक स्प्रे बॉटल में। ये स्प्रे बॉटल मैंने अमेजोन से मंगवाई थी, आपको आसानी से वहाँ मिल जाएगी, नहीं तो फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी। और बिफ़ोर एवरी यूज़ गाइज आपको इसे हिला देना है और ये आपको फ्रीज़र में स्टोर करना है। सो ये आपका चेहरा बहुत ही अच्छा फ्रेशन अप करेगा। आप नहाने से बाद इसे इस्तेमाल कर सकते हो, कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको इस्तेमाल करने के बाद आपको पैट करना है, थोड़ी देर रखना है, और बाद में कॉटन पैड की मदद से जो भी एक्सेस है, जो भी रह गया आपके चेहरे पे, उसे पोंछना है। ये बहुत ही आपका चेहरा फ्रेशन अप करेगा गाइज। तो मेरी लास्ट टिप है गाइज, बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आपको लेना है थोड़ा सा एलोवेरा जेल और बाद में इसमें ऐड करना है कुकुम्बर। मैं यहाँ ग्रेट करके कुकुम्बर डाल रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कुकुम्बर का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हो। और बाद में इसमें ऐड करना है थोड़ा सा हनी, और ये आपका अच्छा सा बॉडी और फेस पैक दोनों हो गया। सो तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है और बाद में इसे आपको बॉडी पे और फेस पे इस्तेमाल करना है गाइस। इससे क्या होता है ना गाइस, अगर आपके चेहरे पे दाग धब्बे है, स्पॉट्स है, ग्रे स्पॉट्स है, ब्राउन स्पॉट है, यू नो, वो सारी प्रॉब्लम मिटाने में मदद करता है। अगर आपके चेहरे पे एक्ने का प्रॉब्लम है और टैनिंग का प्रॉब्लम है, ब्लैकेज का प्रॉब्लम है, एजिंग का प्रॉब्लम, वो सब मिटाने में मदद करता है। लेकिन आपको इसे वीकली दो बार इस्तेमाल करना है गाइस, ताकि आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल सके। और सबसे पहली बात गाइस, आपको पैचेस करके देखना है, कोई भी DIY यूज़ करने से पहले पैचेस करके देखना है, ताकि आपको कोई बाद में दिक्कत ना हो, कोई एलर्जी ना हो। कभी क्या होता है ना गाइस, जो मुझे सूट होता है आपको सूट होता है, ऐसा होता नहीं है। सो प्लीज़ डू अ पैच टेस्ट बिफोर। और इसे मैं सर्कुलर मोशन में कर रही हूँ, ताकि दिस एक्ट एज अ स्क्रबर ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कीरा जो मैंने डाला है इसमें। और थोड़ी देर बाद आपको अपना चेहरा ठंडे पानी से धोना है, और दिस विल गिव यू नाइस ब्राइटनेस गाइज। ये आप शादी में, पार्टी में जाने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपको बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाएगा। सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।